नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं नेशन भारत। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए छात्र आदित्य कुमार का चयन हो गया है। आदित्य के सैनिक स्कूल में कक्षा नवम के लिए चयन होने से उसके स्कूल एवं कोचिंग संस्थान के शिक्षकों, सहपाठियों व परिजनों में खुशी की लहर है। शहर के नया बाजार दालपट्टी निवासी संतू शाह के पुत्र एवं कक्षा अष्टम का छात्र आदित्य कुमार बचपन से मेधावी रहा है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 में क्वालिफाइड के बाद उसके सैनिक स्कूल नालंदा में मेरिट लिस्ट में जगह बनाया। अब उसका मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आदित्य कुमार का नामांकन सैनिक स्कूल नालंदा में कक्षा नवम के लिए जा सकेगा। आदित्य कुमार के शिक्षक राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में देश भर में सैनिक स्कूलों की संख्या 33 है। बिहार में नालंदा एवं गोपालगंज में सैनिक स्कूल है। आदित्य का नामांकन उसके इच्छा अनुसार सबसे निकटवर्ती नालंदा सैनिक स्कूल में लिया जा सकेगा। अपना पूरा श्रेय हमारे गुरुजी मिस्टर राजेश कुमार को देना चाहेंगे। इन्होंने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है। बहुत दिनों तक हम इनके पास रातों रातों तक पढ़ करके ये परीक्षा क्वालिफाई किया है। चलिए, कौन सा विषय ले रहे हैं? इनमें पांचों सब्जेक्ट था, साइंस, एसएसटी, मैथ, रीजनिंग और फिर इंग्लिश। ये पांच सब्जेक्ट का 400 नंबर का एग्जाम हुआ था, जिसमें मैंने 326 नंबर लाया। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य कुमार। हमारे बच्चों ने लगातार कोविड के दौरान भी काफ़ी, मेरे अनुसार कहने के मुताबिक, बच्चों ने दिन रात एक किया और मैं मेरे गाइडलाइंस पे चल के इन्होंने कोविड के दौरान घर पर रह के काफ़ी स्टडी किया। जहाँ तक मेरा सपोर्ट है एक टीचर का होने के नाते, मैं इनको क्या और आगे भविष्य में क्या है एनडीए में जाने के लिए क्या प्रेरित करूँगा, ताकि जाके देश के सेवा में अपना योगदान स्थापित कर सके। चलिए, कहाँ के लिए क्वालिफाई किए हैं? ये इन्होंने पूरे देश में टोटल 33 सैनिक स्कूल है, जिसमें इन्होंने नालंदा के लिए अप्लाई किए थे। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि नालंदा के लिए जो कट ऑफ है सब आरक्षित वर्ग के हिसाब से किया गया है, और जिसमें बिहार का 67% आरक्षण है। इन्होंने ओबीसी और जनरल मार्क्स के हिसाब से 400 में 326 अंक इन्होंने प्राप्त किया। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 25% क्वालिफाई करना होता है, और इसमें ओवरऑल कट ऑफ निकाला गया है सैनिक की तरफ से, जिसमें क्या है इन्होंने मेरिट लिस्ट में जगह बनाया। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे भी अपने भारत का और अपने जिले का, अपने माता पिता का नाम इसी तरह रोशन करते रहे, मेरी यही शुभकामना। ऐसी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।